जय श्री राधे। गुरुदेव गुरुदेव, मेरा आपसे एक निजी प्रश्न है। मैंने रामोदय संप्रदाय से दीक्षा ले रखी गुरुदेव, और मेरा प्रश्न आपसे ये है, जैसे मैंने संप्रदाय से दीक्षा ले रखी है और मान लो मेरे ही घर में कोई क्लेश हो या मुझे कोई असाध्य रोग हो, जैसे कि शुगर हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, या किसी और भाई का प्रश्न होगा, मान लीजिए किसी को कैंसर है, हार्ट अटैक है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोई भी असाध्य रोग है, जैसे कि कईयों का आपके पास ये मैसेज आया भी हुआ बोले, तो क्या वो नाम उपचार से दीक्षा पुनः ले सकते हैं या नहीं? बोले मेरे इस प्रश्न का निवारण कीजिए आप, और इसका उत्तर सभी का कल्याण के लिए इसका उत्तर आप दीजिए। मेरा आपसे प्रश्न है बोले। बहुत ही सुंदर और सार्थक प्रश्न आपने पूछा है, और मेरे पास विगत दिनों अनेकों बार ये प्रश्न कई लोगों ने पूछा कि गुरुजी, हम अमुक संप्रदाय से दीक्षित हैं, कोई श्री संप्रदाय से दीक्षित हैं, कोई गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं, कोई रामानुज संप्रदाय से, कोई निम्बार्क संप्रदाय से। तो देखिए, जब भी कभी हम किसी संप्रदाय में किसी वैष्णव आचार्य से दीक्षा लेते हैं, तो वह दीक्षा ब्रह्म दीक्षा कहलाती है। ब्रह्म दीक्षा का तात्पर्य है कि 84 लाख योनियों का जो ये फेरा है ये कट जाए और हमें परम धाम गमन का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाए। इसलिए नाम दीक्षा ली जाती है, ताकि इसी जन्म में इसी शरीर को हम भगवान की सेवा में उनकी शरणागति में लगा दें, और इसी शरीर से इतना भजन करें, इतना नाम जप करें, इतना महामंत्र जपें अथवा गुरु के दिए हुए बीज मंत्र का जप करें कि इसी शरीर में हमें परम धाम। देखिए, हम सब कृष्ण के अंश हैं और हम सब उस भगवान श्री राम के उस परम धाम में जाने के अधिकारी हैं। ये 84 लाख योनियों में हम इसलिए आए हैं कि हमने जो पिछले जन्म में कर्म किए, उन कर्मों से हमें बंधन प्राप्त हुआ, तो कर्म बंधन से हमारा जो प्रारब्ध बना, उस प्रारब्ध को भोगने के लिए विभिन्न योनियों में हमें भेजा। तो जिसका जिस प्रकार का कर्म होगा, उस कर्म के आधार पर उसको योनियां मिलती है। किसी के अंतःकरण में किसी विषय को भोगने की अगर व्यवस्था हो, तो उस विषय को भोगने के लिए एक अलग शरीर बनाया। बहुत से लोग जैसे मांस खाने के, अंडे खाने के शौकीन होते हैं, तो जो मांस भक्षण करने के, उसको चीरने फाड़ने के लिए भगवान ने अलग अलग योनियों की व्यवस्था की है। तो उनको चाहे वो सिंह की योनि हो, भालू की योनि हो, अथवा ऊद बिलाऊ जो अंडे खाते हैं, तो जिसकी जैसी कामना होती है, उस कामना के आधार पर वो अलग अलग योनियों में जाता है। तो ब्रह्म दीक्षा हम इसलिए लेते हैं जिससे कि हमें 84 लाख योनियों के फेरे में दोबारा न पड़ना पड़े, और इसी शरीर में, इसी मानव शरीर में, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा है, कि अनंत जन्म के बाद ये मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ, ताकि हम भगवत धाम, जहां से हम बिछुड़ गए हैं, हम पुनः लौटकर उसी भगवत धाम पहुंचे। ये तो ब्रह्म दीक्षा की बात हुई। अब नाम दीक्षा, ये जो नाम दीक्षा, ये केवल सकाम भाव से, भगवान ये नहीं चाहते कि आप किसी शरीर में आए कष्ट पाने के लिए, पीड़ा पाने के लिए, अथवा आप कष्टों से पीड़ित होने के लिए, ये भगवान नहीं चाहते। भगवान के अवतरण का एक कारण यह भी है कि मानव मात्र को पीड़ा से, संकट से बचाना। माँ भगवती ने कहा, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु, बड़े से बड़े भारी और संकट को दूर करने का विरद संकल्प आपका है, और भगवान ने स्वीकार किया कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे उतन भूप है। भक्तों की रक्षा करने के लिए राम जी मानव रूप में प्रकट होते हैं, और फिर रामायण में तो स्पष्ट कहा, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी।
और फिर कहा कि तब तब प्रभु धरी विविध शरीर हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देखिए सज्जन पीरा यानी भगवान राम जी आपकी पीड़ा हरण करने के लिए। तो अब लौकिक जगत में हम में से लोग जब उपचार करा के थक जाते हैं, किसी को कैंसर है, किसी को माइग्रेन है, सिर में पीड़ा है, किसी के किडनी में, किसी का लीवर फेल, किसी के फेफड़ा बंद, यानी ऊपर से नीचे तक हम जरा सृष्टि में हैं तो कष्ट पा रहे हैं। और भगवान अपने भक्तों को कष्ट देना नहीं चाहते, इसलिए भगवान का मनुष्य रूप में अवतरण होता है। तो इस कली काल में भगवान ने हमें नाम दिया, अब हमको उस नाम का आश्रय लेना चाहिए। नाम क्यों? कलयुग में प्राणी शक्तिहीन है, बलिहीन है, आयुहीन है, साधनहीन है। ऐसे में भगवान ने सोचा कि कलयुग के प्राणियों की मैं पीड़ा दूर कैसे करूं, तो उन्होंने सहज रूप दिया केवल नाम। और उस नाम में भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति को आत्मसात कर दिया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि नाम नामकारी बहुदा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल। और नियम भी नहीं है, दिन में रात्रि में चलते फिरते उठते बैठते, ये आवश्यक नहीं कि आप एक आसन पर बैठ के 3 घंटा 35 मिनट जपें, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। सवेरे करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें, थोड़ी देर दोपहर को करें, थोड़ी देर शाम को करें, थोड़ी देर रात्रि में करें, कुल मिलाकर यदि हम 3 घंटा 35 मिनट जप लेते हैं तो हमारे जो अविष्ट मन की आशा है कि हम कष्ट जो पा रहे हैं, जब आप कैंसर से पीड़ित हैं अथवा माइग्रेन से पीड़ित हैं अथवा गुप्त रोग से पीड़ित हैं अथवा कोई भी शारीरिक चर्म रोग से पीड़ित हैं और उपचार कराने के बाद भी जब वो लाभ न मिले तो हम भगवान की शरण में जा सकते हैं, ऐसा भगवान स्वयं कहा। उत्तरा नहीं गई क्या? अपने गर्भ की रक्षा करने के लिए उत्तरा गई? जब गज का पांव पकड़ लिया तो गज ने भी भगवान हरि की शरणागति ली कि नहीं? जब ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया अश्वत्थामा ने तो अर्जुन ने भगवान को पुकारा कि नहीं? इतने सारे उदाहरण। जब प्रहलाद को अनेक पीड़ा दे रहे थे हिरण्यकश्यपु, तो उस समय प्रहलाद ने भगवान नृसिंह भगवान की शरणागति ली कि नहीं? स्वप्नो यथा ही प्रतिबोध आगते हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान तो वचन दे रहे हैं कि एक बार हरि का नाम कोई आर्त भाव से ले ले तो मैं उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हूं। और इतना नहीं, सप्तम स्कंद में तो यहां तक लिख दिया सर्वतो गोप्त्र संत्रासान। और महाराज बड़े से बड़े कष्ट के लिए भी यदि मृत्योर अपि जिघांसत, यानी मृत्यु का देवता भी सामने खड़ा हो और उस समय यदि कोई मुझे बुला ले तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं तत्पर हूं। और वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक कह दिया सकृदे प्रपन्नाय तवास्मीति इति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम् मम। ये मेरा व्रत है कि मैं तुम्हें अभय प्रदान करूं। तो इसलिए हम नाम मंत्र कोई भी ले सकते हैं। आपने भले ही एक बार दीक्षा लिए तो वो ब्रह्म दीक्षा किसी से भी ले ले, पर संकट में फंस गए उस समय आप भगवान के शरण में जाते हैं तो आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको बिना दीक्षा के भी कोई भगवान का नाम पता हो तो आप उस समय संकट की घड़ी में उस नाम को बुला लीजिए। हाँ, नाम दीक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विशेष नाम यदि आपको नहीं पता, पर मुझे तो पता है, मैंने अपना अध्ययन उन नामों में किया है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है, तो मैंने भगवान के नामों पर ही शोध किया, इसलिए वो सब नाम मेरे पास है। और आप यदि उस नाम को चाहते तो मैं आपसे मूल्य नहीं लेता, अभी तो नाम लेता हूं। 5 माला 540 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, किसी भी कागज पर एक आसन पर बैठो या 2 दिन में लिखो, 4 दिन में लिखो, 20 दिन में लिखो, आप लिखकर मुझे भेज दो और भेजने के बाद हम आपको वो नाम वैदिक विधि से संकल्प करा के आपको बता देते हैं। उसके बाद अब आप लेते रहिए। यदि इमरजेंसी आपातकाल है तो 3 घंटा 35 मिनट जपिए, और यदि इमरजेंसी नहीं है तो जब संकट आए तब जपा करें, ये आपकी अपनी स्वेच्छा है। तो इसलिए नाम का कली काल में आश्रय लीजिए। नाम से बढ़कर और कोई सुगम उपाय इस कली काल में बिल्कुल नहीं है, इसीलिए बार बार मैं आग्रह करता हूं कि आप नाम का आश्रय लें। और इन नामों को प्राप्त करने के लिए कई बार आप लोग प्रश्न करते कब तक जपे, ये आप पर निर्भर करता है।
कि जितना विश्वास दृढ़ होगा नाम का प्रभाव उतनी शीघ्रता से मिलेगा। अरे मैं तो कहता हूं एक ही दिन में प्रभाव दिखेगा, यदि आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कब तक जपेंगे। जितनी शीघ्रता से, जितनी दृढ़ता से आप जपोगे विश्वास के द्वारा, उतनी शीघ्रता से फल मिलता है। जय जय श्री राधे।